समुद्री गोताखोर जब गहरे पानी में गोता लगाने के लिए जाती है तब वह ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण उपयोग करते हैं। बात यहां पास कर रहे हैं हम लोग, आखिर जो समुद्री गोताखोर है वह गहरे पानी में जाते हैं तब वह ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करने के बजाय वह ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस का उपयोग क्यों करते हैं? बता दे इस तरह से जो समुद्र है, इस समुद्र में जब गोताखोर गोता लगाने के लिए करीबन 100 फीट के नीचे में जाते हैं, अब 100 फीट के नीचे में जब जाते हैं तब उस कंडीशन में यहाँ पास पृथ्वी के नीचे घुसने पर होगा क्या, जो कि दाब बढ़ेगा। अब दाब पानी में भी बढ़ रहा है और दाब जो गोताखोर है उसके शरीर में भी दाब बढ़ रहे हैं। अब हमें पता है जब दाब बढ़ता है तब विलेयता भी बढ़ते हैं। तब होता इस तरह से है, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उपयोग कर रहे हैं उसमें से जो नाइट्रोजन है वह नाइट्रोजन जो कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके ब्लड में घुल जाते हैं। अब ब्लड में घुलते हैं तब क्या है, समुद्र गोताखोर जब पानी के ऊपर आ जाते हैं तब वह नाइट्रोजन जो कि ब्लड में घुल चुका है वह निकलना चालू होता है बुदबुदाहट के साथ। अब बुदबुदाहट के होता है साथ निकलता है, इसका मतलब जो कि धमनियों में या ब्लड वेसल्स में जो नाइट्रोजन है वह घुल चुका है। अब जब निकले हैं गोताखोर पानी के ऊपर तब जो नाइट्रोजन है वह बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलता है, मतलब जो ब्लड वेसल्स है उस पर जो कि छल्ले आकृति के जो कि बन जाते हैं और छेद छेद हो जाते हैं। इस तरह से जो बीमारी होता है उसे जो कि नार्कोसिस कहते हैं। अब नार्कोसिस बीमारी की वजह से जो गोताखोर है उसके हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं और उल्टियां होने लगते हैं। और इसी बीमारी या दर्द की बचाव के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का उपयोग करते हैं। अगर हीलियम का उपयोग करते हैं, अगर बात करें तो हीलियम क्या होता है, हल्का होता है। और हीलियम जो है जब समुद्री गोताखोर नीचे की ओर जाता है तब दाब तो बढ़ता है, लेकिन दाब बढ़ने से जो हीलियम है वह हमारे बॉडी में कम घुलनशील होता है, जिसके वजह से गोताखोर गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन के साथ हीलियम का उपयोग करते हैं। थैंक यू।